हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों आज हम आए हैं सावन के पहले सोमवार के दिन श्री शिव भगवान के दर्शन करने, जो कि लाल चोट से ये कम से कम 6-7 किलोमीटर पड़ता ही है। और कुछ ही मिनटों में हम दर्शन करने वाले हैं महादेव। सामने पहाड़ है और इस साइड देख सकते हैं भोलेनाथ जी का मंदिर है, जो कि हम कुछ ही मिनटों में अब जाने वाले हैं। श्री चंद्रशेखर महादेव मंदिर का नाम है इनका। और देख सकते हैं लोकेशन काफ़ी अच्छी है, हमारे गोविंद जी देख सकते हैं। तो दोस्तों हम आए थे तब तो काफ़ी तेज धूप पड़ रही थी, क्योंकि हमारे आने से यहाँ पर धीरे धीरे मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है, एकदम चारों तरफ बदल ही बदल हो गए हैं। और कुछ ही मिनटों में अब आपको दर्शन कराएंगे शिव जी के दर्शन, जो कि काफ़ी अद्भुत एकदम लाल चोट के ये निजरना में पड़ती है। काफ़ी अद्भुत मूर्ति बनाई हुई है, देख सकते हैं आप सामने। और हमारे साथ गोविंद भाई भी आए हैं, जो साउंड सिस्टम देख रहे हैं साथ में। और हमारी गाड़ी देख सकते हैं, एक ये खड़ी और एक ये खड़ी, और सामने है मंदिर। तो चलते हैं अंदर दोस्तों। तो गाइस चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हैं। और हमारे जीती भैया देख सकते हैं कैमरा सेटअप कर रहे हैं। दोस्तों चलते हैं अंदर। दोस्तों हम करते हैं महादेव जी के दर्शन, फिर आपको कराते हैं सिनेमेटिक शॉट के व्यू के मजे। तो दोस्तों सिनेमेटिक भी काफ़ी अच्छा होने वाला है, जो कि आप इंट्रो में पता लग गया होगा, इंट्रो देखने के बाद में कि कैसे क्या सिनेमेटिक शॉट बनने वाला है। तो चलते हैं शिव जी के दर्शन करने। और हमारे सामने शिव जी की मूर्ति काफ़ी अद्भुत बनाई गई है, जो कि मेरे को देखते ही अजीब सा लग रहा है कि हाँ चलो पास में चलते हैं देखने के लिए। तो पास में आ चुका हो गया, मन एकदम प्रसन्नित हो चुका है, एकदम खुश हो चुका है। और हमारे सामने शिव जी की मूर्ति है, और आपको भी कुछ ही मिनटों में पास से दर्शन। पास में भारत का नक्शा भी बना हुआ है, जो भी अभी हम आपको कुछ थोड़ी देर में आपको बताएंगे। बिल्कुल, तो चलते हैं दोस्तों। हमारी जीती भैया देख सकते हैं, गरम गरम हर हर शंभु। और गाइस इस तरफ देख सकते हैं आप, देख सकते हैं शिव पार्वती जी गणेश जी एंड उनके सवारी यहाँ पर विराजमान है। देख सकते हैं काफ़ी अच्छी बनावट की गई है यहाँ पर। तो यह दोस्तों भारत का नक्शा देख सकते हैं आप, जिसको हम ऊंचाइयों में लेकर आपको सही से दिखाएंगे भारत का नक्शा। तो देख सकते हैं सामने हमारे शिव जी की मूर्ति काफ़ी अद्भुत है, देख सकते हैं कितनी हाइट पर है। और इसके नीचे शिवलिंग देख सकते हैं। तो शिव जी के नीचे यहाँ पर नंदी जी विराजमान है, जो कि काफ़ी हाइट में बना रखा है, देख सकते हैं। देख सकते हैं अभी धूप के चक्कर में फर्श गर्म आ रही थी यहाँ पर, इस कारण यहाँ पर देखो पानी फैला रहे हैं, ताकि ये फर्श ठंडी हो सके। सब सुकून लेने आ रहे हैं। आपके पैर कैसे लग रहे हैं अब? ठंडे ठंडे एकदम चिल्ड। तो दोस्तों महादेव जी को पानी चढ़ाने जा रहे हैं, पहले इसको धो लेते हैं साफ़।